गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हमारे सोशल स्टडी के अंदर हमारी हिस्ट्री की बुक शुरू की है हमने। लास्ट लेक्चर में हमने उसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, इस लेसन में हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। ठीक है, साथ ही में आपको हमने ये भी बताया कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं और क्यों हम इन तारीखों को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताए कि जैसे कि भारत के अंदर सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, जैसे कि मैंने नाम बताया था वारेन हेस्टिंग्स, और आखिरी वाइस राय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, ये आपको याद भी रखने हैं। आज हम इस लेक्चर को लेसन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हम अवधियां कैसे तय करते हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर बताया गया है कि 1857 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है बेटा, इसको सभी ध्यान रखेंगे, कौन के थे ये, स्कॉटलैंड के थे, कौन थे, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, राजनीतिक दार्शनिक थे जेम्स मिल, इन्होंने एक पुस्तक जो लिखी थी उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना, और उसमें उन्होंने तीन विशाल खंडों में ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। और इस किताब के माध्यम से उन्होंने भारतीय इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा था। यहाँ प्रश्न बनता है कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा, तो आप बोलेंगे तीन कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, ठीक है, और इन कालखंडों का निर्धारण ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया था। आगे पढ़ने जाते हैं कि इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। इसका कारण है कि हर कालखंड की क्या होती है, अपनी खासियत होती है, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश में की जाती है। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं, वे हमें बताते हैं कि एक अवधि किसी दूसरी अवधि के अलग किस प्रकार से है और उनमें आए बदलावों का क्या महत्व होता है। जेम्स मिल थे, उनको ऐसा महसूस होता था कि सारे जितने भी एशियाई समाज सभ्यता है वो यूरोप से पीछे हैं। ये उनकी अपनी सोच थी, उनको लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता जो है यूरोप से पीछे है, यानी यूरोप सबसे आगे है। इतिहास में उनकी समझदारी इतनी थी कि वो कहते थे कि भारत में अंग्रेजों के आने के बाद से पहले या हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था और यह चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जाति बंधनों यानी लड़ाई, अंधविश्वास का बोलबाला था। मिल ने ब्रिटिश शासन में भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता। मिल की राय में उनका ये मानना था कि जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी वो भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकती है। इस प्रकार जरूरी हो गया था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला और संस्थाओं और कानून को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक भी सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को क्या कर सके, ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान कर सके। उनका मानना था अंग्रेजों की मदद के बिना हमारा भारत यानी हिंदुस्तान कभी प्रगति ही नहीं कर सकता, ये मिथ्या भावना उनके मन में थी। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक थी। अंग्रेजी शासन से पहले उनका मानना था कि सारा अंधकार का दौर था। क्या इस धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्या इतिहास किसी दौर को हिंदू और मुसलमान का दौर कहता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल एक शासक के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासक का भी एक धर्म नहीं हुआ करता था। ठीक है, अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बता रहे हैं। प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों द्वारा सुझाए वर्गीकरण से अलग हटकर जो हमारे भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने हमारे इतिहास को तीन कालों में बांटा था जिसका नाम था प्राचीन,
मध्यकालीन भारत और आधुनिक काल। कौन कौन से? प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल। इन विभाजन में भी अपनी समस्या थी, इन खंडों को बांटने के लिए की समझ हमें कहाँ से आई? पश्चिम से आई। कैसे आई? पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है, आप सभी लोग इसको अंडरलाइन भी करें क्योंकि इस पे प्रश्न बनता है। पश्चिम में आधुनिक काल को क्या माना जाता था? क्या माना जाता था? उसका उत्तर है, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकत के विकास का युग माना जाता था। तो ये प्रश्न बनाएंगे यहाँ पर और प्रश्न का उत्तर भी आप लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर समझ में आ गया, लाइन अंडरलाइन की मैंने। उनके लिए मध्यकालीन समाज कौन सा था? वे समाज जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं उसमें नहीं पाई जाती थी। क्या हम अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणा को बिना सोचे समझे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप सभी किताब में देखेंगे कि अंग्रेज के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति थी ही नहीं, होती ही नहीं थी, नहीं आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। तो ये लोग जो कहते हैं ना कि हमारे ज़माने में, ब्रिटिश जमाने शासनकाल में ये सब कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारे इतिहासकार जो है इस युग को, जो अंग्रेजी शासन वाला युग है, उसको औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक क्या होता है? एक देश दूसरे देश पे औपनिवेशिक क्या होता है? इसका अर्थ होता है जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाते हैं, तो इस प्रक्रिया को तो कहते हैं औपनिवेशीकरण। और औपनिवेशिक क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से दबाकर रखता है, उसको कहते हैं मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख के भी पेंसिल से बताया, एक देश दूसरे देश को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से दबाकर रखता है, तो उस युग को कहते हैं औपनिवेशिक युग, ठीक है? यहाँ पर मैंने ये दोनों चीज़ें आपको बताई है। अब हम चलते हैं आगे कि औपनिवेशिक क्या होता है। मैं रीडिंग लगाती हूँ। अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखते हैं कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था, समाज पर नियंत्रण स्थापित किया और सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमतों पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण ही यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या क्या बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे को इस तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ढंग से अनुभव नहीं करते हैं, इसीलिए इस किताब को हमारे यतीत का नाम दिया गया है, यानी हमारे यतीत, यानी हमारे बीते हुए समय पर केंद्रित है ये किताब, इसलिए इसको नाम दिया गया है हमारे अतीत, ठीक है बच्चों? आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अगला टॉपिक लेते हैं कि किस तरह हम जानते हैं। यहाँ पर बताया गया कि भारतीय इतिहास में 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों ने कौन कौन से स्रोत इस्तेमाल किए हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है प्रशासन अभिलेख तैयार करना। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन की है आप उसको महत्वपूर्ण मानते हुए ध्यान रखें। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों को एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में होते थे। अंग्रेजों का मानना था कि चीज़ों को लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम भी आपको कहते हैं कि आपको कुछ याद रखना है, अच्छे तरह से लेसन को लर्न करना है, तो लिखिए, लिखने से याददाश्त मतलब ना एक पुख्ता प्रमाण हो जाते हैं। तो अंग्रेजों की भी यही मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए उन्होंने अपने हर निर्देश, हर योजना, हर नीतिगत फैसले, सहमति, जाँच को साफ साफ लिखना जरूरी समझा था। ऐसा करने के लिए बाद में चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है, उन पर वाद विवाद किया जाता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की क्या हुई? संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को क्या लगता था
कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। हम भी तो रखते हैं, ये हमने आज से नहीं, हमारे पुराने ज़माने से हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं। अंग्रेजों ने कुछ नया नहीं सिखाया, हम भी अपने दस्तावेज़ों को पत्रों को संभाल कर रखते थे। लिहाजा उन्होंने शासकीय संस्थाओं में क्या बनाए, अभिलेख केंद्र, जहाँ पर ये दस्तावेज और पत्रों को जहाँ रखा जाता है लिखा हुआ, उनको बोलते हैं अभिलेख कक्ष। ठीक है, तो जितनी भी हमारी शासकीय संस्थान थे उनमें क्या अभिलेख कक्ष बनाए, तहसील का दफ्तर हो, कलेक्ट्रेट हो, कमिश्नर के दफ्तर हो, प्रांतीय सचिवालय हो, कोर्ट कचहरी हो, सबके लिए एक रिकॉर्ड रूम होता था जिनमें इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को क्या करता था, अभिग्रह रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्था भी बनाए गए। ठीक है, तो ये क्या प्रश्न बनता है आपका, जो कि आपके अभ्यास के सेकेंड प्रश्न में भी दिया गया है। जो क्वेश्चन मैं आपको अभी पढ़कर बता देती हूँ, जिसके उत्तर को आप यहीं पर ही लिख लेंगे। इसमें पूछा है अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा, तो आप लिखेंगे उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख केंद्र बनाए, कक्ष बनाए, तहसील दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर दफ्तर, इन सबके अंदर रिकॉर्ड रूम बनाए, जहाँ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्था बनाए। ये सेकंड प्रश्न का उत्तर है, मैंने इसलिए यहाँ पर सेकंड भी डाला है। ठीक है, आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा को भेजे गए पत्र ज्ञापनों को आज भी इन अभिलेखागारों में हम देख सकते हैं। वहाँ आप जिलाधिकारी द्वारा किए गए नोट्स रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। ऊपर कमरे में ऑफिसर और प्रांतीय अधिकारी को भेजे गए निर्देश और सुझावों को भी देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें भी बनाई जाती थी। इन्हें खुशन वीसी में माहिर लिखते थे, यानी जिनमें एक टैलेंट होता था सुलेखे में, ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी और तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां भी बनाई जाने लगी थी। यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है, राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था, जहाँ पर अंग्रेजों की सोच में इस संस्थाओं का कितना महत्व है ये भी दर्शाया गया है। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।